नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव में। किसान भाइयों, पिछले 2-3 सालों में सबसे फेमस वैरायटी गेहूं की पूसा तेजस, जिसे हम HI 8759 के नाम से भी जानते हैं, आज इस वैरायटी की विशेषता जानेंगे। ये वैरायटी 1 हेक्टेयर में 75 क्विंटल तक उत्पादन देने वाली है और गेहूं की नई किस्म पूसा तेजस को मध्य भारत के लिए विकसित किया गया है। 3 से 4 पानी में ये पककर तैयार हो जाती है और 24 से 30 क्विंटल पर एकड़ इसका उत्पादन होता है। इस वैरायटी में प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन व जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। किसान भाइयों, पूसा तेजस का पौधा बचपन से ही काफ़ी गहरे हरे रंग का होता है। इसका कारण ये है कि इसमें अन्य वैरायटियों के मुकाबले क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि दूसरी वैरायटियों में ज़्यादा पानी होने से गेहूं पीला दिखाई देता है। पूसा तेजस में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने से इसकी रोग अवरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे ये अधिक पानी में भी पीला दिखाई नहीं पड़ता। किसान भाइयों, इस वैरायटी में ऊँचों की संख्या दूसरी वैरायटियों से अधिक होती है, साथ ही इसके पौधे बचपन से ही अधिक गहरे हरे रंग के होते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो किसान भाइयों, इसकी लंबाई दूसरी वैरायटियों से कम होती है। इसका किसान भाइयों फ़ायदा ये होता है कि जब मौसम ख़राब होता है, हवा पानी से इसके गिरने के खतरे कम हो जाते हैं। इस वैरायटी की पहचान की बात करें तो किसान भाइयों, इस वैरायटी में बालियों में चारों तरफ से दानों का भराव होता है, साथ ही रोग की मात्रा भी दूसरी वैरायटियों से अधिक होती है। इसकी बीज की बात करें तो इसका दाना श्रीराम 111 वैरायटी के दानों जैसा बड़ा आकार का होता है, हल्का लाल रंग का होता है, दानों में चमक होती है और दाने काफ़ी बजनी आते हैं। किसान भाइयों, ये वैरायटी 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें पानी की बात करें तो किसान भाइयों, जहाँ मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनी रहती है वहाँ 3 पानी देना चाहिए और जहाँ मिट्टी में नमी कम समय बतर जल्दी आ जाती है वहाँ 4 पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ पूसा तेजस के बारे में दी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।